दीदी अपने तो बतावे वाला रही है कि आलू में मट्टी कैसे चढ़ाई छे और सिंचाई कैसे होई छे। हाँ दीदी ठीक है, तो कहै छी आलू के खेती के श्रृंखला में अभी तक दीदी बीज के छटाई कलिए है, उपचार कलिए है, खेती तैयार कलिए है, तब रोपाई कलिए है। भैया के बतावे के मुताबिक हमू सब रोपाई कर लेलिए है। आगे माटी चढ़ावे के है और सिंचाई करे के है। हाँ दीदी चलो ना काम शुरू करे छी। हाँ दीदी विजय भैया आबै छी तो कमैनी के बारे में बतैतन, तकर माटी चढ़तै, ओकर बाद पानी पड़तै, खाद छिटतै। विजय भैया आबै छी, जो जो सीखथिन ना, जे जे सीखथिन वैसे वैसे हमहूँ सब सीख कर खेती करबै। दीदी मिट्टी चढ़ावे और सिंचाई की सारा तैयारी हो गई? हाँ हो गई। अच्छा दीदी हम जाने ला चाहे छी कि जिंक और पोटाश जो है खेत के तैयारी के समय डाले रही है कि ना? भैया जैसे आप बताले रही है जिंक और पोटाश डाले के वैसे हम डाल देंगे। दीदी जिंक और पोटाश के बारे में हम ये ज़्यादा बता रही है कि जिंक और पोटाश आलू के खेती में डालला से फफूंद और विषाणु वाला रोग जो होई छै से 9 के बराबर लगे छै, जैसे झुलसा रोग। और एकरा डाले से आलू के छिलका मोटा भेल जेके कारण स्टोरेज करे में काफी आसानी होई छै और आलू में चमक होई छै, एके लिए मार्केट में अच्छा रेट भी मिले छै। आ साथे साथे आलू के साइज भी बड़ा होइए दीदी। और एक बात और दीदी कि पोटाश देवे से उपज भी अधिक ज़्यादा होइए और जल संकट मतलब कम जल में भी फसल अच्छा हो जाइए। हाँ भैया समझ गए, आलू के खेती में जिंक और पोटाश देना बहुत जरूरी है। दीदी तब आलू के खेती में आगे निकौनी, माटी चढ़ाई, सिंचाई, खाद डाले के काम कल जाए। हाँ भैया बहुत जरूरी है जी। ठीक है। 20 से 25 दिन बाद आलू में निकौनी, पानी, खाद देना जरूरी होई छै, जैसे कि आज हम सब कर रहल छी। हाँ भैया ठीक। निकौनी तो हो गेल, अब जे है खाद छीट लेल जाए, ओकरा बाद लगले पानी पट जाए। हाँ हाँ भैया। दीदी कौन सा खाद छीट रही है? हाँ दीदी यूरिया है। दीदी खेत के तैयारी के टाइम में यूरिया न दिलिए रखी? हाँ दीदी दू तिहाई बाव के समय में दे दिलिए रहा, एक तिहाई अखनी दे रहल जाए। हमरा समझ में न आलै दीदी। दीदी एक कट्ठा आलू अहाँ लगैले रहलिए रहा, ओमे 4 किलो यूरिया लगै छै। दीदी 4 किलो जे एक कट्ठा के अबै छै, 2.5 किलो तैयारी के समय में देल जाइ छै, एक तिहाई जे बचै छै मिट्टी चढ़ाबे के समय में देल जाइ छै, एक तिहाई के मतलब 1.5 किलो यूरिया देल जाइ छै। जहिया रोपलिए रह तहिया तो आलू के ढकबे कलिए रह, फिर आइ काल्हि ढक रहलिए है। दीदी पहले तो आलू के जे माटी तनके चढ़लिए रह, आप पूरा से चढ़बै तब ना पौधा बड़ा बड़ा होतै। दीदी यही लेल आलू के 20 से 25 दिन के बाद, आलू रोपला के 20 से 25 दिन के बाद कमैनी भी करे के चाही, साथ में माटी भी चढ़ावे के चाही और सिंचाई भी करे के चाही। माटी भरपूर माने अच्छा से ए लेल देल जाई छै कि कम मट्टी में आलू के कंद बाहर निकल जाता या दाना जे होते धूप पड़े के कारण आलू
खड़ा हो जाते जेकि खाए लायक न रहे यही खातिर मट्टी भरपूर दी। तब अब दीदी सिंचाई कर जाए। ठीक हाँ ठीक है। भैया आलू में कितना बार सिंचाई करे के चाहिए? दीदी आलू में टोटल 3 सिंचाई करे के चाहिए, एक बुआई से पहले और 2 बुआई के बाद। अच्छा अंकुरण के लिए अगर सिंचाई बुआई से पहले अगर न कर पैली तो दूसरा दिन रोपाई के दूसरा दिन सिंचाई कर देना जरूरी रहे छे, इससे अच्छा जनमेशन होइ छे पौधा। दीदी बुआई के दूसरा दिन वाला सिंचाई एकदम हल्का होवे के चाहिए, इससे जनमेशन एक रंग भेल पौधा अच्छा निकल। हाँ भैया आलू लगेला के दूसरा दिन हल्का सिंचाई कर ले। दूसरा बात 20 से 25 दिन बाद आलू लगेला के 20 से 25 दिन बाद कंद मूल लगना शुरू हो जाए छे, एक लेल सिंचाई करना जरूरी है। सिंचाई के समय एक चीज ध्यान देवे के चाही कि मेड़ के एक तिहाई भाग सूखा रहे के चाही। हाँ भैया भैया ई सिंचाई तो हो गई, अगला सिंचाई कब होता? ऐ सिंचाई के 12 से 15 दिन बाद अब तीसरा सिंचाई कैल जाते, ओ समय आलू के कंद मूल बड़ा होए लगे छै और खाने से 12 से 15 दिन पहले भी सिंचाई कैल जाए छै ताकि नमी कम न रह। हाँ भैया समझ गए। एकरा अलावा अगर खेत सूख जाए तो जरूरत के हिसाब से सिंचाई करना जरूरी है। दीदी एक बात ध्यान रहे के चाहिए, आलू खनाई से 10 दिन पहले सिंचाई बंद कर देवे के चाहिए। ठीक है भैया। आज तो अपने बता दिलिए कमैनी करे के, खाद डाले के, माटी चढ़ावे के और सिंचाई करे के। आलू के फसल में जे बीमारी लग जाए छे ओकरा बचाव के लेल उपाय बता। हाँ हाँ दीदी, आलू के फसल में जे रोग लगे छे ओकरा बचाव के बारे में अहाँ जाने चाहे जी। आलू के झुलसा रोग से बचावे के लेल अहाँ सब पहले ही बहुत कदम उठैले हैं, जैसे सही बीज के चुनाव, आलू के काट के न रोप के साबुत आलू मतलब गोला आलू के रोप ली, ये सब भी आलू के झुलसा रोग से बचे के बहुत अच्छा उपाय है। एकरा साथ ही आलू के खेत के तैयारी करत समय जिंक और पोटास के उपयोग करना भी झुलसा रोग के लागे के संभावना कम जाइए और आलू में चमक और अच्छा आलू होए के कारण मार्केट में रेट भी अच्छा मिले। अगर फिर भी आलू में कोई रोग लागे के अगर डर भय संभावना है तो एकरा बारे में हम आगे यहाँ सबके बताए। भैया आपने आलू के खेती के बारे में बताइली, एक के लिए धन्यवाद। मिट्टी चढ़ाई और सिंचाई के कुछ मुख्य बिंदु है जे पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला 20 से 25 दिन के बाद आलू का निकौनी जरूर करें। खेत में 4 किलो यूरिया लगैया जे कि 2/3 खेत के तैयारी के समय, बाकी 1/3 20 से 25 दिन के बाद माटी चढ़ाई के समय 1.5 किलो यूरिया के प्रयोग करेला है। आलू के सिंचाई पूरे सीजन में 3 बार कम से कम, पहला सिंचाई रोपाई के समय, दूसरा सिंचाई 25 से 30 दिन बाद और तीसरा सिंचाई 10 से 15 दिन आलू खनने से पहले करना है। सिंचाई करते समय एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि आलू के मेड़ 1/3 सूखल रहे के चाहिए।